हेलो एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट विद द ड्राइंग वन. दिस वी विल बी ड्राइंग दिस सिंपल ड्राइंग. दिस ड्राइंग इज फॉर एज ग्रुप लाइक 5 इयर्स टू 12 इयर्स. 5 साल से 12 साल के बच्चे ये आसानी से बना सकते हैं. तो आज हमारा सब्जेक्ट है ये ड्राइंग बनाना. इसको सिस्टमेटिकली कैसे बनाना है, इस ड्राइंग को, इस ड्राइंग में कितनी शेप्स यूज हुई हैं उसको देखना, उसको प्रॉपरली बनाना. तो आज हम अपनी क्लास में ये वाला ड्राइंग प्रॉपर सिस्टमेटिकली शेप्स यूज़ करके ये ड्रॉ करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले देखिए, ये इस वाली ड्राइंग में आपने सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बनाया है, ये एक इन्वर्टेड यू की तरीके से है और ये एक हाफ सेमी सर्कल भी हो सकता है. ठीक है, तो और ये थोड़ा सा हॉलो है. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे कौन सी शेप यूज़ हुई है, ओवल शेप यूज़ हुई है. इधर भी ओवल शेप है. ओके, एंड फॉर द बॉडी, ये जो नीचे बॉडी है, इस बॉडी के अंदर भी इन्वर्टेड यू यूज़ हुआ है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमारा सेमी सर्कल यूज़ हुआ है. ओके, देन फॉर द आईज वी हैव यूज्ड दिस oval, oval, and this is also circle and circle, small circle. ठीक है, and this is like a wave, water की waves होती हैं उस तरीके से, go down and then up and then go down and then we draw C, inverted C, and then a big smile. Okay, and उसके अंदर ये smile बना लेंगे जैसे water waves होती है, similar to this one, and then ये curve, ये curve. ठीक है, आर्क आर्क, एंड देन दिस, ये लेग, वन लेग, लेफ्ट लेग एंड वन राइट लेग. तो लेफ्ट लेग में आपने क्या करना है, इन्वर्टेड थ्री एंड देन लाइक दिस, इन्वर्टेड थ्री एंड देन लाइक दिस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइंग. तो सबसे पहले देखेंगे हमारा ये जो कर्व है उसका लेवल क्या है. ये लेवल सेम है. ओके, सो सिस्टम, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिकली ड्राइंग कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, मेक अ सिंपल, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं इधर, मेक अ स्लीपिंग लाइन. मेक अ स्लीपिंग लाइन, यहाँ करीबन इतना चौड़ा बनाते हैं. ठीक है, एंड देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से, एंड देन ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया. अब हमें ये देखिए, ये वाले पॉइंट से हमें ओवल बनाना है. अगर आप डायरेक्टली बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्लैंटिंग ओवल बनाएंगे. अगर आपको स्लैंटिंग ओवल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक यहाँ पे इधर से थोड़ा स्लैंटिंग वे में एक स्लैंटिंग लाइन बना लीजिए, ये स्लैंटिंग लाइन, सिमिलर टू दिस, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएं इसके जस्ट सामने, और ये कितना है, यहाँ पे भी स्लैंटिंग वे में पॉइंट लगाएं, एंड देन एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे लाइक दिस. ओके, क्लियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक एन ओवल अक्रॉस दिस स्लैंटिंग लाइन. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गो डाउन लाइक दिस एंड पॉज, यहाँ पे रुक जाएंगे इस तरीके से. ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ से भी सेम. अब ये यहाँ तक है इसका लेवल, तो यहाँ पे दूसरे वाले का भी लेवल हैंड का यहाँ तक ही होगा. स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एंड हमारा पता है यहाँ तक है, तो हम कर्व करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये हो गया. अब लिटिल बिट ऑफ कर्व डाउन, थोड़ा स्लैंटिंग वे में है ये कर्व. कहाँ तक है, ये देखो, ये वाला पॉइंट है उसके जस्ट नीचे, यहाँ पे पॉइंट लगाया है थोड़े गैप में. ये जो है इसके जस्ट नीचे, यहाँ पॉइंट लगाया है थोड़े गैप में. सिमिलरली इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे पॉइंट लगाया है थोड़े गैप में. इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे पॉइंट लगाया है थोड़े गैप में. ओके, ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम. हमारा ये पॉइंट आमने सामने आ गया. ओके, अब यहाँ से हम कर्व करते हुए हल्का सा नीचे ले लेंगे, और इधर से भी कर्व करते हुए हल्का सा तरीके से नीचे ले लेंगे. ओके,
थोड़ा सा आपको और ब्रॉड करना है, तो ये पॉइंट इधर लगा लीजिए, थोड़ा सा ब्रॉड कर्व इधर ले सकते हैं ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, ये हम इरेज कर देंगे फिर, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, अब आर्क, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मेक एन आर्क। ठीक है, ये हो गया, इतना पोर्शन हो गया। अब हमारा ये जो लाइन है, हम इस लाइन को इरेज कर देंगे। आउटर शेप आ गई हमारी, इन्वर्टेड यू फ्रॉम हेयर। ये गैप लिटिल बिट सेम, ये गैप, ये गैप। अब यहाँ से इन्वर्टेड यू कहाँ तक जा रहा है ये देखिए, यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, अप, टर्न, गो डाउन। ठीक है, ये हो गया। नाउ स्माइल एंड देन आइज। तो स्माइल कहाँ से शुरू हो रही है, करीबन यहाँ जो हैंड है उधर से शुरू हो रही है, हैंड, हैंड मैंने लगा लिया पॉइंट इधर, ये कर्व, ये कर्व। ओके, दिस कर्व, दिस कर्व, ये हो गया। स्माइल, जॉइन लाइक दिस। नाउ फ्रॉम हियर कम डाउन, गो अप, कम डाउन, कैसा, कम डाउन, मिडल में गो अप, कम डाउन। ठीक है, इसको प्रॉपरली अगर आपका शेप नहीं आया है तो यहीं पे हम करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इधर से भी लाइक दिस। ठीक है, आइज, इसके ऊपर आई, इसके ऊपर आए, ओवल रख देंगे, वन ओवल रख दिया मैंने, सेकंड ओवल रख दिया, और जो ओवल है, ओवल सेम। ठीक है, हाइट सेम है ओवल का, लाइक दिस। ठीक है, नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, द सर्कल शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, दिस आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। ओके, नाउ स्माइल, कर्व, कर्व, और एन आर्क, आर्क, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ। ठीक है, नाउ कम डाउन, गो अप, कम डाउन। ठीक है, ये हो गया, सॉरी। अब गो डाउन स्लैंटिंग वे में, कर्व ऐसा, जैसे मैंने बोला था थ्री बना लेंगे, एंड देन लाइक दिस, ऐसा। फ्रॉम हियर वन टू थ्री हो गया हमारा, सॉरी। यहाँ से लाइक दिस, सिमिलरली फ्रॉम हियर। अब देखो ये वाला, ये वाला सेम लेवल पे, दिस लेवल एंड दिस लेवल सेम, तो पहले ही मैंने मार्क कर दिया। नाउ फ्रॉम हियर कम, फ्रॉम हियर कम थ्री, एंड देन अगेन लाइक दिस, जैसा ये वैसा आइडेंटिकल। ओके, इसको थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, शेप देने के लिए ऐसा और ऐसा। नाउ इट्स डन। अब हम इसको करते हैं आउटलाइनिंग। तो आप मार्कर ले लेंगे या ब्लैक स्केच पेन ले लेंगे। आउटलाइन हमको ऐसे करना है, हमारा जो पेंसिल का ड्राइंग है उसके ऊपर आउटलाइन करना है, पेंसिल के ड्राइंग के जस्ट ऊपर। हमारा मेन मोटिव ये होगा कि जो पेंसिल का मार्क है वो नहीं दिखना चाहिए, अगर वो दिखा तो अपनी आउटलाइन इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, लाइक दिस, बहुत ही स्लोली स्लोली, बिकॉज स्केच पेन को इरेज करना टफ है, इरेज आसानी से नहीं होता, वेर एज पेंसिल मार्क कैन बी इरेज विद योर नॉर्मल इरेजर। ओके, एंड लास्टली
eyeball. Done. Clear है? So this is so simple drawing. आप भी अपने बच्चों को कराइए और उसका जो आउटपुट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आउटपुट भेज सकते हैं. और प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको पहला ड्राइंग कैसा लगा, आपके बच्चों को कैसा लगा, क्या मुझे और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. प्लीज़ राइट टू मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ मोर. ठीक है, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.